अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिद्धर्शा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वो खीर। खीर के साथ साथ हम बना रहे हैं अचारी गोश्त। ये भी बहुत यम्मी बनता है, मगर जो मैं आज जा रही हूँ वो है खीर के हवाले से, क्योंकि डिज़र्ट होते हैं वो तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं नमकीन के साथ साथ। चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं। दूध को मुझे बॉयल 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने बॉयल करने पर रख दिया है लो फ्लेम पर। ज़्यादा फ्लेम पे हम नहीं इसको बॉईल करेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसमें बलाइट जमती जाए। जैसे ही ये बलाइट जमती रहेगी, आप हल्के से स्पून से इसको अलग करते रहें। अभी ये मैंने इसको रखे हुए 15 मिनट हुए, तो ज़्यादा ये अभी बॉईल नहीं हुआ है। मैं आपको साथ साथ दिखाती भी रहती हूँ, जब तक आप अपना काम भी करें और साथ साथ वीडियो भी इंजॉय करें, जब तक म्यूज़िक भी साथ साथ सुनते हैं हम। मगर इससे पहले न्यू व्यूवर्स, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकॉन ऑल्सो प्रेस। यहाँ पे हमारी हल्की हल्की ब्लाइट जमती जा रही है, जिसको हम चम्मच की मदद से हल्के हाथों से साइड साइड करती रहेंगे। जैसे जैसे ब्लाइट जमती रहेगी, हम हल्के हाथों से इसको साइड करते रहेंगे। याद रखिएगा, इसे मिलाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से साइड करना है। या आपके घर में पहले से मलाई हो और आपने स्टोर करके रखी हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। दूध उबल जाए और आप जब इसमें खीर पाउडर या खीर मिक्स डालने लगे। मैंने फुल क्रीमी मिल्क लिया है, मगर मैंने उसको भी बॉईल करके उसको मैं सही तरह उबाले दे रही हूँ और इसमें मलाई जमा रही हूँ ऐसा ऐसा करके। आप देख रहे होंगे कैसे मलाई हल्की हल्की साइड करी जा रही हूँ मैं बार बार चम्मच की मदद से, पर हल्के हाथों से, ताकि ये मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे आप देख ही रही होंगे कि ये हमारी उबलना स्टार्ट हो चुका है। हल्की फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है, लो फ्लेम है बिल्कुल ही। और ये आधे घंटे के बाद ये मेरा लुक आप देख रहे होंगे, कितनी बलाई जमा हो चुकी है। और ये दूध जितना हमने लिया था, 1 लीटर दूध लिया था, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था। हालाँकि ये आप देख रहे होंगे 1 लीटर से भी कम रह गया है। और बलाई आप देख रहे होंगे, मैं आपको चम्मच दिखा ही रही हूँ ऐसा ऐसा कि मलाई मैं मिक्स भी कर रही हूँ तो ये आप सही तरह मिक्स नहीं हो रही है। यानी ऐसे ही हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए मिल्क की, ताकि हम अपनी खीर बना सकें। यहाँ पे हमारा दूध बिल्कुल रेडी है खीर बनाने के लिए। चले हम अब खीर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने खीर मिक्स पाउडर लिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाला ही लें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट मैं नाम नहीं बता रही, आप खुद ब्रांड देखें और लें। यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे, हल्की फ्लेम पे रखना है और हल्के हाथों से ही इसको मिक्सअप करना है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच को नहीं हिलाना है, हल्के हाथों से। आप देख रहे होंगे मैं कितने लाइटली इसको हिलाने लगी हुई हूँ, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। यानी ये बस हल्के हाथों से ही आपने इसको करना है। ये हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही हल्के हाथों से इसको घुमाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा लो फ्लेम हो, ज़्यादा तेज़ आँच ना ही हो, वरना ये नीचे लग जाएगा। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट हुए हैं इसको कुक करते हुए, हिलाते हुए हल्की हल्की, यानी रुक रुक के आप इसमें चम्मच हिलाते रहें, एक साथ ना हिलाते रहें, 1 सेकंड रुकें फिर हिलाएं, फिर रुकें फिर हिलाएं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड कर दी है, ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग ना बन जाए। यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो गए थे और मैंने फिर इसको रख दिया हल्की आँच पर, और 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें चम्मच हिला रही थी वक्फा दे के। यहाँ पर हमारी बादाम और यानी पिस्ता रखे हुए थे, मैंने उसको ऐड करने के लिए बारीक चॉप कर लिया, पहले से मौजूद है हमारे खीर में, इसलिए हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। आधे हम अभी ऐड कर देंगे, यानी कुक जब हो रही है जब, और आधे हम जब कुक हो जाएगी डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर लेंगे। आप देख रही हैं वीडियो में मैं आधे आधे करके साइड, यानी साइड साइड करके रख रही हूँ कि इतना मैंने अभी ऐड करना है, इतना बाद में ऐड करना है। हमारी खीर मिक्स को ऐड किए हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हल्की फ्लेम पे ही पक रही है और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी थी क्योंकि खीर मिक्स में केवड़ा भी मौजूद होता है, और बहुत ही अच्छी आ रही थी खुशबू। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे, फिर इसके अंदर हम अपने मेवे ऐड करेंगे जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। हाफ़ मेवे अभी यूज़ करेंगे और हाफ़ हम बाद के लिए, यानी डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करेंगे।
हमें मेवे ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट तक दोबारा कुक करना है लो फ्लेम पे ही, और इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर हम 2 से 3 मिनट बाद ऐड करेंगे ताकि इसको हम थोड़ा सा कुक कर लें मेवे को भी दूध में ही, ताकि उसका टेस्ट खीर उसमें आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि पहले से खीर मिक्स में शुगर ऐड होती है, हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। यानी अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें सैशे में चीनी मौजूद होती है, तो हम इसमें आधी कटोरी ऐड करेंगे। किसी को ज़्यादा अगर शुगर पसंद है तो थोड़ी एक्स्ट्रा कर सकता है, और जिसको ज़्यादा नहीं पसंद तो ये इतनी नॉर्मल है, आप इजीली से खा सकते हैं, क्योंकि डिज़र्ट में थोड़ा सा मीठा तो बनता ही है, वरना मीठा खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर बिल्कुल स्लो हो जाएगा, हमें इसको लो फ्लेम पे रख के छोड़ देना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए, और इसमें चम्मच हिलाते रहें हल्के हल्के हाथों से, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद, डेली नहीं हिलाना लो फ्लेम पे इसको। दादा हमें 10 मिनट तक कुक करना है अगेन। से 15 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए, बिल्कुल ही थिक हो चुकी है, और ये बिल्कुल लो फ्लेम में आप देख रहे हैं, ये अभी तक कुक हो रही है, हल्के हल्के बॉयल्स आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल डन अप हो चुका है, लो फ्लेम ही रहने देनी है इसको बस। इसको ज़्यादा से हम 2 मिनट और पकाएंगे, फिर हमारी खीर रेडी है, इसको सर्व करें, डिश आउट करें। आप देख ही रहे होंगे जो मैंने आधे मेवे रखे थे वो मैंने डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करे हैं, जो बादाम है वो मैंने ऐसे ही लगाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये छोटी कटोरी में भी आपको सर्विंग का तरीका बताया, और बड़े बॉल में भी आप चाहें तो कप्स में भी इसे कर सकते हैं, बट उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। ज़रूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन भी आल्सो प्रेस कीजिएगा। आई होप आप मेरी आने वाली वीडियो भी पसंद आएंगी, जो ब्लॉगिंग के हवाले से भी और स्किन केयर के हवाले से भी है। ज़रूर लाइक शेयर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा उसका भी, ताकि। और हाँ, एक बात, जो बिहारी कबाब का जिन्होंने कहा था कि मुझे बिहारी मैक्रोनी के बारे में बताएं, वो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, आप ज़रूर देखिएगा, उसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल है आप मुझसे करें, मैं आपको उसका आंसर दूँगी स्किन के हवाले से भी और डेली रूटीन के हवाले से भी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और आने वाली वीडियो भी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।